या फिर टीवी सीरियल्स में ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि शुरू तुमने किया था, खत्म मैं करूंगा या फिर करूंगी। पर ये डायलॉग शाहरुख खान के केस में सच साबित ना हो हम यही कहेंगे। अगर उन्होंने इस साल की शुरुआत 1000 करोड़ की पठान से की है तो साल का अंत भी सिर्फ वही 1000 करोड़ की डंकी के साथ करे, ऐसा हम कहेंगे। हालांकि ये जो शुरू तुमने किया था खत्म मैं करूंगा ये डायलॉग सालार वाले बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो अपनी रिलीज डेट डंकी की रिलीज डेट यानी कि 22 दिसंबर के दिन फाइनल की है। वैसे डंकी की डायरेक्टर राजकुमार हिरानी एक मास्टरमाइंड है, क्या चल रहा है, किसका कितना हाइप है, क्या ट्रेंड कर रहा है, ये वो देखते रहते हैं। मतलब जिस तरह से आदित्य चोपड़ा टाइगर 3 को ब्लॉकबस्टर साबित करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वैसे ही हिरानी भी अपनी हर फिल्म को लेकर बनाते हैं। तो अगर इसमें इन्होंने ये सोचा होगा कि ये पूरा साल शाहरुख खान का साल है तो लोहा गरम है और अभी इस पर हथौड़ा मार दूंगा तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर वो ऐसे शख्स भी है जो अपनी फिल्मों को सबसे बचा कर रखते हैं। ऐसा उन्होंने संजू फिल्म के वक्त किया था। संजू रिलीज होने वाली थी 2017 में टाइगर जिंदा है के साथ, पर फिर उन्होंने सोचा कि उनकी फिल्म को जस्टिस नहीं मिलेगा तो उन्होंने अपनी फिल्म को अगले साल 2018 में रिलीज किया। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उनकी फिल्म की बदली रिलीज डेट की वजह से उन्होंने फैंस को इंतजार करवाया। तो ऐसा वो डंकी के साथ भी करेंगे क्या, मतलब फिल्म को 2024 में पोस्टपोन करेंगे, वो भी सालार की वजह से। वैसे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो डेट पोस्टपोन होने की बात चल रही है डंकी को लेकर वो कंफर्म है या फिर नहीं, कहीं ये कोई प्रमोशन स्ट्रैटेजी तो नहीं, जैसे कि फिल्म का कोई खास पोस्टर या टीजर अभी तक आया नहीं है। वैसे ये सब कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, पर इससे हाइप तो बढ़ ही जाता है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। वैसे इन सब बातों को थोड़ा साइड में रखते हैं, आपको पता है डंकी के सेट पर शाहरुख ने बहुत ज्यादा फन किया है और उनके साथ साथ राजकुमार हिरानी ने भी फन किया है। दरअसल सेट पर थोड़े वक्त के लिए शाहरुख ने ब्रेक लिया था और वो बाथरूम चले गए थे। वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने सोचा कि फैंस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन किया जाए, तो उन्होंने जल्द से जल्द अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उस पर फैंस से कहा मुझे थोड़ा सा टाइम है, हम बात कर सकते हैं। पर इस बीच राजकुमार हिरानी ने कहा कि भाई बाथरूम से आ गए हो क्या, वो भी सोशल मीडिया पर। और वो देखने के बाद शाहरुख हड़बड़ा गए और उन्होंने ये बोला कि बाप रे मुझे सेट पर जाना होगा वरना मुझे ये रिप्लेस कर देंगे। हालांकि वो मजाक था क्योंकि शाहरुख को कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। राजकुमार हिरानी तो उनके साथ मुन्ना भाई MBBS में भी काम करना चाहते थे तो वो उन्हें रिप्लेस कैसे करेंगे, और बादशाह को कोई रिप्लेस करता है क्या? आप हमें कमेंट्स में ये बताएं कि आप डंकी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए।